असलम मैं यू फैमिली कैसे हम सब लोग आई यूब सब ठीक ठाक होंगे तो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लाग तो ये बेसिकली स्पेशली एंड टेक्निकली मकैनिकली ये जो व्लाग है ना वो होने वाला है दावत व्लॉग मतलब दावत व्लॉग तो नहीं लेकिन इसमें अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों को मिलेंगी जो आप लोग दावत के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों के घर किसी की दावत है तो ठीक है तो यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था उसके बाद आ गई थी मेरी हाल और ये यह देखें यहाँ आमना मेरे घर आई हुई थी आज तो यहाँ पर बस मैं उससे मिलजुल रही थी और उसके बाद फिर मैंने चाय बना ली तो चाय बना ली और फिर हमने चाय पी मैंने पहले भी चाय पी फिर इनके साथ दोबारा से चाय पी ऐसे कैसे हो सकता कि चाय बने और मैं पीऊँ ना तो फिर यहाँ पर हम लोग बस अपनी चाय इंजॉय रहे थे और आप लोग बताएं आप लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो यहाँ पर देखें जी उसके बाद फिर हमने फ्राइज़ बना लिए मैंने और रामन ने फ्राइज़ खाने थे तो फिर यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ पहले काटे और उसके बाद फिर मैं फ़्राई करूँगी और ये देखें आप लोग को तो फ्राइज़ बनाने आते ही होने हैं कि किस तरह से बनाते हैं ना वैसे फ्राइज एक वाद इस तरह की चीज़ है जो भूख ना भी होना तो खाए जाते हैं जितने मर्जी खिला दो ना इजीली खाए जाते हैं मुझे तो बहुत पसंद है तो आप लोगों को पसंद है कि नहीं आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ना बताना तो वैसे ये छोटे बड़े सब लोगों को ना बहुत अच्छे लगते हैं फ्राइज काफी बढ़िया बहुत अच्छी गाइस आप भी जरूर आए और ये जो है ना इसके हाथ की जगह बहुत लोग हैं जो ये जो है खाना चाहते होंगे उम्मीद है जी आपको ये बहुत तो पसंद आ रही होगी हमारी वीडियो और ये देखें ऐसी चिप्स ना आपको उफ बाहर बाजार में भी ना मिले बाहर गली से ही मिल सकती है <laughs> नहीं ये अरेबियन राइस की हैंड्स की चिप्स है <laughs> तो यहाँ पर जी फिर हमने फ्राइज खा लिए तो उसके बाद हम किचन में आ गए मैंने कहा चलो आओ तुम किचन में, में मेरे पास खड़ी हो और मैं ना आप लोग के लिए खाना बनाती हूं तो वैसे मैंने ना बिरयानी भी बनानी थी साथ में कटलर्स भी तो फिर लेकिन मेरी हालत कहती है कि तुमने इतना कुछ क्यों बनाना तुम बस एक चिकन बनाओ और ना बस काम हतम करो मतलब कि कुछ भी ना इतना ज़्यादा बनाओ ना तो फिर मैंने एक चिकन बना लिया और सामाएँ मैंने फिर आगे और भी चल के आप लोग को बताती हूँ कि क्या बनाया तो यहाँ पर देखें जी ब्लेंडर ले लेना उसमें है उसमें प्याज डाल देने हैं लहसन डाल देना है अदरक डाल देना है हरी मिर्ची डाल देनी है और उसमें नमक और ना क्रश रेड चिली डाल देनी है वो जिसे दर दर मिर्च भी कहते हैं ना वो और उसको पेस्ट बना लेना फिर थोड़ा सा पानी डाल के ज़्यादा नहीं डालना और फिर चिकन को ना उसी मसाले से ना थोड़ा सा मैरिनेट करना है और फिर ये देखें गरम ऑयल कर लेना है घी कर लें ऑयल कर लें यहाँ पे मैंने तो घी लिया था उसमें फिर ना हमने इसे फ्राई कर लेना है ठीक है इसे अच्छा सा गोल्डन कलर देना है तो ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन क्योंकि मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स भी आए हैं काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे तो उनके लिए ये रेसिपी है तो ये देखें जी आप लोगों ने मैं से परेशानी ना थोड़ा सा ये मसाला हमने जो लगाया ना ये थोड़ा अपना मतलब अपना ये ना जो कलर है ना वो छोड़ेगा पैन के अंदर ना तो आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना तो ये देखें इस तरह से कुछ इस तरह से कलर आ जाएगा इसके ऊपर और आप लोगों ने वो जो ऑयल बच जाएगा ना उसे वेस्ट नहीं करना उसे स्टेन करके ना तो ये देखेंगे मैंने हाफ़ ऑयल वही लिया था और हाफ़ इसमें ज़्यादा डाल मतलब न्यू डाल दिया था और ये मसाला जो ब्लेंडर में ब्लेंड किया था ना हमने वो इसमें डाल देना है और साथ में हमने ना मोटी इलायची डाल देनी है और इस स्टेज पर आप लोगों ने नमक मिर्च कर लेनी है क्योंकि हमने इसमें रेड चिली भी डाल दिया है नमक भी डाल दिया था और ग्रीन चिलीज भी डाल दी हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने चख लेना है टेस्ट कर लें अगर आप लोग को कुछ कम लग रहा है तो आप लोग डाल लें और इसे अच्छे से भूनना है ठीक है तो यहाँ पर ऑयल आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन यह कि इसे अच्छे से भुने जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तो यहाँ पर देखें जी फिर मैंने आमना के लिए कॉफ़ी बनानी थी तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में ही दूध ले लिया यहाँ पर फिर मैं कॉफ़ी डालूंगी कॉफ़ी आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल लें मतलब आप लोग को ज़्यादा कड़वी पसंद है ज़्यादा डाल लें थोड़ी पसंद है तो थोड़ी डाल लें उसमें मैंने क्रीम डाल दी है और उसमें हम शुगर डाल देंगे और शुगर डालने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंड करने के बाद ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रांसफ़र करने के बाद मुँह में ट्रांसफ़र कर लेंगे और कॉफ़ी जो है ना बहुत मज़े की बनी थी अच्छा वैसे जो होता है ना फ्रेश मिल्क उसकी इतनी अच्छी कॉफ़ी नहीं बनती है जो होता ना मिल्क पैक इसकी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है ये वैसे मेरा पर्सनल वो है क्या कहते हैं ए मैं वैसे अपने यहाँ टेस्ट बता रही हूँ आप लोगों को अगर फ्रेश मिल्क की पसंद है तो आप लोग वो बना लें अच्छा जब मसाला भुन गया था ना मैंने उसमें चिकन डाल के उसे थोड़ी इधर भुना चिकन के साथ भी उसमें मैंने पानी डाल दिया था ठीक है पानी आपने थोड़ा ही डालना है उसके बाद देखें जी पानी खुश्क होते ही है देखें हमने इसे थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा भूनना है पाँच दस मिनट के लिए उसके बाद हमने इसे ना धनिया डाल देना है इसमें और ना रेड वो डाल देनी है ग्रीन चिलीज डाल देनी है और ये हमारा जो है ना सालन अभी यहाँ पर डन नहीं हुआ ठीक है यहाँ पर हमने ये देखें क्रीम डाल दी है क्रीम डालने के बाद अच्छा जिस स्टेज पे मैंने पानी डाला था ना वहाँ पर मैंने ना बादाम लेके ना छिलकों समेत मेहत ही उन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया था और वो भी डाल दिया था इसमें पेस्ट और ये जो है ना क्रीम ये क्रीम हम इस स्टेज पे आ डालेंगे जब हमारा चिकन फुल डन हो जाएगा ना उसके बाद हमने सिर्फ क्रीम डालनी है उसे मिक्स करना है और उसे दम पे रख देना थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर दम पे रखने के बाद ये देखें जी कुछ इस तरह से ये चिकन हो जाएगा और ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और इसमें ना और कोई भी मसाले नहीं जाते सिर्फ जो मैंने आप लोग को बताया वही जाते हैं और बहुत सिंपल सा बहुत मज़े का ये चिकन रेडी हो जाता है मेरी खाला को तो बहुत पसंद आया था आप लोग भी ट्राई करना आपके घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा तो यहाँ पर देखें जी दूसरी तरफ फिर मैंने विंग्स बना लिए थे विंग्स यहाँ पर मैंने ना नमक डाला था काली मिर्च डाली थी लाल मिर्च डाली थी ज़ीरा सूखा धनिया कुटा हुआ और ना ये सब कुछ डाल के से पका लिया था और फिर इसमें ही मैंने ना बेसन मिक्स कर दिया था और ये देखें ऑयल यहाँ पे ना गंदा हुआ हुआ था आ, बेसन वाले फ्राइज़ बनाए थे ना तो ये बेसन और ये मैं तो इस तरह इस्टेन कर लेती हूँ स्ट्रेनर से ना इसका सारा ये जो अंदर होता है ना तो ये क्या कहते हैं बेसन वैसे इजीली निकल जाता है तो सारा ऑयल ना उल्टाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप लोग भी इस तरह से करना ये आप लोग के लिए टिप है प्रो टिप ठीक है अगर आप मेरी तरह काम छोड़ना पूरा नहीं धो सकते तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं तो यहां पर देखें जी फिर बेसन डाल दिया था मैंने और बेसन डालने के बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे और ये बहुत मज़े के बनते हैं जैसे दाबू होता है ना सेम वही बस इसके ऊपर अगर अच्छा अगर आप लोगों ने ना इसे दाबू की लुक देनी है ना तो इस स्टेज पे जब आप फ्राइंग के लिए डालने लगेंगे ना तो आप लोगों ने ना सस सीड्स जिन्हें तिल कहते हैं ना वो इनके ऊपर चिपका देने हैं जब आप चिपका के फ्राई करेंगे ना तो सेम आपको दाबू वाला लुक मिलेगा और टेस्ट तो इसका वैसे ही था तो लुक भी इसकी वैसे आ जाएगी अगर आप लोगों ने इस तरह नहीं करना तो ठीक है तो इस तरह से अगर आपने सिर्फ ये चिकन पकोड़ा बनाना है तो सेम इस तरह से बना लें अगर चिकन दाबू बनाना है तो सिर्फ इसमें तिल चिपका दें बाकी रेसिपी यही है उसकी भी तो आप लोगों ने ना ये दोनों रेसिपीज ज़रूर ट्राई करनी है और ये देखें जी चिकन को हमने फिर फाइनल लुक दे दी थी मतलब कि डिश आउट कर दिया था और ऊपर से मैंने इस तरह से गार्निश कर दिया था तो यहाँ पर देखें जी फिर खाना लग गया था और फिर हम अब खाना खाएंगे और खाने का बहुत मज़ा आया था उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे साहब में मूँगफली खाएँगे साहब में रिहोरियाँ खाएँगे और ना बस फिर हम यहाँ पर बैठ के गपशप कर रहे थे और बड़ा मज़ा आया तो ये देखें जी शादी आ रही है तो उसके लिए ना मैं एक सूट बनवा रही हूँ तो मैं सोचा आप लोगों के साथ इसकी थोड़ी सी लुक शेयर करते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये किस तरह का लग रहा है ना तो यहाँ पर फिर थोड़े से बर्तन थे वो धो लिए सी फिर मैंने ना पराठा मंगवा लिया आलू वाला भाई से बहुत मज़े का मिलता है तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग तो यहाँ पर मैं प्रथा एंजॉय करूँगी तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें और व्लॉग को लाइक कर दिया करें और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करें और ना आप लोगों ने रेसिपीज़ आज की आज की ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई अगर करें तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर पिक्चर भेजिएगा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़